डिप्टी कमिश्नर बंदरवा जनाब राकेश कुमार जी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। सोसाइटी प्लानिंग और चेयरमैन जनाब रामचंद जी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। फरामा फरामा बड़ी शान शौकत के साथ झंडे को लहराने के बाद आज के मेहमान खुसूसी निरीक्षण के लिए और ऑल कमांड हुई और ऑल कमांड आपके निरीक्षण के लिए अरे साहब आगे आगे चलो इंडिपेंडेंस डे पर मैं आप सब जितने भी यहाँ पर आए हुए और इसके मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत ही खुशी का मुकाम है कि हम सदियों से इस विषय पर ये प्रोग्राम करते रहते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई है आप सब लोगों को। ये दिन जो है तो ये बहुत कुर्बानियों से ये हमें आजादी मिली है, तो इसको जो है तो हमने आगे भी ऐसे ही बरकरार रखना है। मैं उसका मेहमान खुशी अमित चंद जी वो यहीं पर प्रतिसाद तैयार करना चाहूंगा। प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी फतेहा शाहिदुर रहमान मोहन साहब वो भी यहाँ पे तशरीफ ला। यही बार सीओ 33 बटालियन तशरीफ फरमा हो चुके हैं, उनका भी खैर मकदम का पर तशरीफ लाएं। और मैं दावत देना चाहूंगा चंद्रशेखर जी डीएफओ बजरा वो भी तशरीफ लाएं। तो शब्बीर मलिक साहब तशरीफ लाएं, तो प्लीज शब्बीर मलिक साहब पहले आएंगे। शब्बीर मलिक साहब और अल कमान माफ़ जनाब के एम मेहता
अच्छा, मैं पद्मा कुमार, 33 बटालियन का कमांडेंट सीआरपीएफ है, भदरवा और डोडा का सीआरपीएफ डिप्लॉयमेंट में संभाल रहा हूँ। अभी देखो 74th इंडिपेंडेंस डे है हमारा, तो चैलेंजेस बढ़ गया। चैलेंजेस ऑफ कोर्स हर जगह तो ये है, हम देख रहे हैं जे एंड के में अभी तो काफ़ी चेंजेस आ गया है पहले से अभी, और ये सारी चीज़ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस सिचुएशन को काबू में किया हुआ है। बट अभी हमारा तो चैलेंजेस देखो, वो दुनिया भर में कोरोना का जो चलते है, ये भी एक दुश्मनी आप समझ लो, वायरस जो है कोरोना वायरस, कोविड वायरस है, तो इनको हमको जैसे दुश्मन को हम दुश्मन के साथ हमारे देश के दुश्मन का लड़ता है, ये भी एक लड़ाई है। बट हम लोग इस लड़ाई में तो हमको जीतना है आखिर में, तो ये सभी हमारे तो सिक्योरिटी फोर्स स्पेशली, तो हम लोग तो ऐसा है ये कोरोना है तो करके तो हम काम छोड़ के जा नहीं सकते, तो हम वी हैव टू बी, तो हमारा तो यही है देशवासियों से, तो अपना ही जो है नागरिक है सभी का यही है, हम लोगों को तो ये है जो वो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया हुआ जो गाइडलाइंस है SOP है, इसको फॉलो जो करते हुए जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ें जो हैं करते हुए हमको अपना तो काम को आगे बढ़ाना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। जिस तरीके से आज के दिन जो है बहुत एक्साइटेड कल्चर एक्टिविटीज को लेके, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इसमें तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि ये तो ना कोरोना वायरस का इस माहौल में तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ही ये SOP और गाइडलाइंस जारी होता है, तो इसमें लेवल पर तो हम लोग कुछ नहीं है। तो सारे जो इवन आज का फंक्शन भी आप देख लो तो उसी के दायरे में ही हमने किया है, तो इसमें तो खैर आगे जाके तो काफ़ी तो ना, पहले जो मार्च में शुरू हुआ था लॉकडाउन के बाद अनलॉक भी शुरू हो गया, आने वाले टाइम में तो जल्दी ये हो जाएगा, बच्चों को खुश रहने के लिए बोला। यस बिल्कुल, ये काफ़ी देर से आपको पता है कि जदोजहद चल रही थी कि PRIs को एम्पावर किया जाए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एम्पावर किया जाए, म्यूनसिपल कमेटीज़ के जो मेंबर्स हैं उनको एम्पावर किया जाए, जितने भी मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हों या लोकल बॉडीज़ हों उनको एम्पावर करने की बात की जा रही थी, तो ये पहली बार हुआ है इन लोगों को एम्पावर किया गया है, इससे क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए वर्कर हैं, इसे डेवलपमेंट में काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा और डेवलपमेंट अच्छी होगी। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से तो पहले तो सभी लोगों को यहाँ के भदरवा के सभी निवासियों को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकें हैं। तो दूसरा जो मैसेज मेरा यही है कि मैं तो लोगों को पूरा बोल नहीं पाया मैं यहाँ पर, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स जो थे उन्होंने काम किया हुआ था, उसमें आप लोग भी शामिल होते हैं, मीडिया के लोग भी हैं जिन्होंने परवाह नहीं की, कई लोग तो इधर नहीं भी तो कई जगहों पे तो मीडिया के भी कई लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हो पाए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के कई लोग इस बीमारी के शिकार हो पाए काम करते करते, कोरोना से लोगों को बचाते बचाते खुद इसके शिकार हो गए। आपको जैसे पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आ गए, हेल्थ मेडिकल एजुकेशन के लोग आ गए, म्यूनसिपलिटी के लोग भी आ गए, तो उन लोगों ने बहुत मेहनत की है उससे इस बीमारी से लड़ने के लिए, तो मैं और लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अब इस मैसेज के थ्रू, आप लोगों के माध्यम से लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज के इस मौके पर कि जिन्होंने पिछले 5 महीनों से बराबर हमारा साथ दिया हुआ है, दुकानें उनकी बंद हो गई, कई दिनों तक दुकानें बंद हो गई, मजदूरों की मजदूरी नहीं रही, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हार नहीं मानी और जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ छाना बिछाना चले और इस कोरोना की महामारी से लड़ने में काफ़ी उन्होंने हमारा साथ दिया, और आज अगर डोडा ग्रीन जोन में फॉल करता है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लोगों की भी मेहनत का नतीजा है, जो उनके साथ का नतीजा है कि आज हमारा यहाँ पर ग्रीन जोन है और उतना डर नहीं है। फिर एक मैसेज मैं लोगों को आपके माध्यम से और देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने 5 महीने से एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया है, आगे भी ऐसे ही हमारा साथ दें, जो
की गाइडलाइंस हैं, मास्क पहन के बाहर निकले बार बार, उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें। तो यही मैसेज रहेगा मेरा इस 15 अगस्त के दिन लोगों के लिए।